जनता का आदेश अब सबके सामने है और जिस सीट की चर्चा बार बार की जा रही थी उन सीटों में बड़े चेहरों को हार का मुंह देखना पड़ा है और जिस वजह से जीत बड़ी हो जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए इंडी गठबंधन के लिए उनमें दो चेहरों की चर्चा बार बार होगी, हर बार होगी और विधानसभा चुनाव 2024 की जब भी चर्चा होगी तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने जीत का सहरा जो है इंडी गठबंधन के माथे पर चढ़ाया है, इसकी भी चर्चा बार बार की जाएगी। इस वक्त 54 सीटों पर इंडी गठबंधन जो है वो जीत दर्ज कर चुका है और इस वक्त 57 सीटों की बात जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि 57 सीटें जो है इंडी गठबंधन के पास जाती हुई, यानी कि परफॉर्मेंस जो है, स्ट्राइक रेट जो है वो पिछले चुनाव से इस बार ज्यादा बेहतर और दमदार नजर आता है। बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी संतोष का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बहुत बड़ी खबर आ रही है। 71 सीटों पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, 54 पर इस समय जेएमएम जीत चुकी है, 57 पर वो लीड ले रही है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 18 पर जीत चुकी है। ऐसे में बीजेपी की जो इस समय सीटें हैं यानी कि 23 पर वो लीड पर चल रही थी जिसमें से 18 वो जीत चुकी है और जेएमएम की बात करें 57 पर वो लीड लेकर चल रही थी जिसमें से 54 उसके खातों में आ चुकी है। 10 सीटों पर अभी भी परिणाम आने बाकी है। परिणाम किसके पक्ष में आएंगे ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन 71 सीटों पर रिजल्ट घोषित हो चुका है। 71 में से 54 सीट जो है वो जेएमएम के पक्ष में गई हैं और इसमें से 18 सीट बीजेपी के पक्ष में गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, 4 सीट पर इंडिया, 5 पर एनडीए आगे चल रही है। झारखंड में इंडिया की बंपर जीत हुई है, 57 पर कुल मिलाकर आगे चल रही है वो। 71 सीटों के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं, 53 सीट पर इंडिया की जीत पक्की हो गई है, जीत की मोहर भी लग गई है और मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मैं अपनी सहयोगी विभा का रुख करूंगा। बिल्कुल, तो 71 सीटों पर परिणाम इस वक्त घोषित किए जा चुके हैं, यानी कि जीत और हार तय हो चुकी है इन 71 सीटों पर और सिर्फ 10 सीटों का इंतजार जो है इस वक्त बाकी है और इन 10 सीटों में 4 सीटें जो है इंडी गठबंधन की बताई जा रही है जिन पर वो लीड कर रही है और बेहतर मजबूत स्थिति में नजर आती है क्योंकि जो वोटों की संख्या है वो अपने प्रतिद्वंदी से इस वक्त उसके पास ज्यादा है। हालांकि इस वक्त विनिंग का इंतजार जरूर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पिछली बार से भी खराब प्रदर्शन के तौर पर झारखंड का ये चुनाव इस वक्त नजर आता है। हालांकि सहयोगियों से जो उम्मीद बीजेपी ने पाल रखी थी वो धराशायी होती नजर आई क्योंकि आंसू वो कमाल नहीं कर पाई। जिस ओबीसी बैंक, वोट बैंक की चर्चा की जा रही थी कि भाई ये ओबीसी वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करेगा, वो फैक्टर यहां झारखंड में काम करता नजर नहीं आया। सीधे तौर पर ये भी कि जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की भी बात होगी जहां पर बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि उनकी तरफ से पूर्णिमा दास को जब चुनावी मैदान में उतारा गया तो ये मानकर चला गया कि यहाँ इस सीट पर रघुवर दास का जो इम्पैक्ट है वो रघुवर दास का इम्पैक्ट इस सीट पर पूर्णिमा दास के लिए काम करता दिखेगा। तो क्या पूर्णिमा दास के लिए ये सीट काम कर गया? तो उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी कैंडिडेट पूर्णिमा दास साहू ने इस सीट को जीत लिया है। पूर्णिमा साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार को 40,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। जीत दर्ज करने के बाद पूर्णिमा साहू ने न्यूज 18 से एक बार फिर खास बातचीत की और बातचीत